मां को गले लगा के उसका दुख भी तो बांट सकता था। इसी वजह से अम्मा, मैं नहीं चाहता था कि उर्मि कभी भी इस घर में आए। पर अब तो वो आ चुकी है। तो अब से आपको मोहतात रहना हूं। पुल की हालत देखिए, कितना कचरा पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे इस घर का तो कोई वाली वारिस है ही नहीं है। अरे तुम लोगों को तनख्वाह में किस लिए देती हूँ? जब तक सर पे खड़ी नहीं होंगी तब तक काम नहीं होगा। क्या हो गया है मम्मा, क्यों इतना पैनिक कर रही हैं? अरे हालत देखिए तुमने, मेरी कल दोस्त तारा आई थी, क्या कहती होगी, लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन घर संभालना नहीं आया। मेरा तुम्हें कितनी दफा कहा है, संडे को जब तुम घर पे होती हो थोड़ी बहुत तवज्जो घर पे दे लिया करो। अरे घर में बेशक 10 मुलाजिम क्यों ना हो, लेकिन जब घर का फर्द खुद इंटरेस्ट लेके घर के काम नहीं करेगा तो मुलाजिम तो बिल्कुल ही काम चोर हो जाएंगे। मम्मा, इस काम के मुलाजिम ना तनख्वाह लेते हैं। जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस घर से कोई मोहब्बत रगबत थोड़ी है। ये लोग तो रोजी कमाने के लिए आते हैं, खुश थोड़ी होते काम करके। ये तो घर वालों को घर का काम करके खुशी मिलती है। पुल की हालत देखो सरा, किस कदर कचरा पड़ा हुआ है, इन्हें क्या एहसास होगा सफाई करने का। मामा मुझे अपना असाइनमेंट भी बनाना है। मैं करवा देती हूँ। अमीरा तुम जाओ अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, मैं देखती हूँ। थैंक यू। आई एम सॉरी मामी, मुझे खुद ख्याल करना चाहिए था, अब तो मेरा भी घर है। लेकिन खैर आप अपने रूम में जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय भिजवाती हूँ और ये सब कुछ मैं खुद खड़े होके करवा देती हूँ। थैंक यू बेटा, इनसे ना जरा मेहनत करवाओ। उनके होते हुए भी अगर मैं घर के काम करूं तो क्या फायदा मेरा इस घर की बहू बनने का? सोफिया बात को समझा करो, मोहब्बत से, खिदमत से, बातों से तुम्हें अम्मा का दिल जीतना है। इस घर में जो मकाम मेरा है, मैं चाहता हूं मेरी बीवी का भी वही मकाम। और फिलहाल तुम जानती हो इस घर में जो मकाम मुरम का है तुम्हारा नहीं है। मुझसे यह बात कतन बर्दाश्त नहीं होती। चलो जी, कुछ दिन तक तो हुरम स्क्रीन से आउट रहेगी, तब तक अपनी जगह बना लेनी चाहिए। सुन लिया, ये सारे काम खुद देखने के होते हैं। सबको इस घर में मुफ्त की सैलरी चाहिए, हद होती है हर डरामी की। और आप जाएं चाय बनाएं और मुझे लाके देगा, मैं खुद मामी को जाकर दूंगी, ठीक है?
आ जाओ। ये ले मम्मी आपकी चाय, अच्छी लग रही मुझे चाय। अच्छी बनी है, फ्रेश मिल्क ही बनी है जी, और मैंने खुद बनाई है आपके लिए। अच्छा, मैंने समझा कि शायद जो हमारा नया कुक है उसने बनाई है। मामी, जब मैंने आपको कहा है कि मैं बनाकर लाती हूँ, खुद ही बनाकर लाऊंगी ना। अब इतनी भी गैर गुजरी नहीं हूँ कि आपको मेरी बात पे एतबार ही ना। ऐसी बात नहीं है, अच्छी है मामी। एक ही तो खता हुई है। कि आपके सबसे चहेते बेटे से मोहब्बत हो गई। वो है ही इतने अच्छे मामी, इतनी अच्छी तरबियत की है आपने उनकी। क्या पर्सनालिटी है, क्या अफसरी है, क्या 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 तालीम है। बना बनाया एक पैकेज है। सच में अगर आपकी जैसी माँ मेरी भी होती ना, तो आज मैं भी कुछ ना कुछ तो जरूर होती। आरिज भी कह रहे थे कि हमारे बच्चों की तरबियत आप करेंगी।